जब हम परिंदों की बात करते हैं तो आम शहरियों के जहन में सिर्फ कबूतर, कौवा या फिर घरेलू चिड़िया ही आती है। अगर आपके घर के नज़दीक कोई पार्क या बगीचा भी है तो आपकी गिनती तोते और कोयल तक भी पहुंच सकती है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मगर मेरठ के बिल्कुल नज़दीक बिजनौर के मुहाने पर परिंदों की हरी भरी जन्नत आपके लिए परिंदों की ये गिनती 1, 2 या 10 से बढ़ाकर सीधे 325 तक ले जा सकती है, जहां सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में विदेशी परिंदों की अनदेखी अनसुनी प्रजातियां भी उछल कूद मचाती आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर आपने पहले कभी परिंदों के अभयारण्य में कदम नहीं रखा है तो आपको शायद एक बार की यकीन ही नहीं होगा कि पक्षियों की इतनी रंगीन प्रजातियां भी होती हैं। अभी तक हमें नहीं पता था कि हम इंडियंस घूमने के मामले में शायद थोड़े कम हैं और विदेशी सैलानी थोड़े ज़्यादा आते हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि चिड़ियों में भी सेम प्रकृति है, वो हज़ारों किलोमीटर दूर इस वेटलैंड को या इन नज़ारों को देखने के लिए आती है। ठंड के दिनों में यानी दिसंबर की शुरुआत में चिड़ियाँ आ जाती हैं और फरवरी के लास्ट यानी इन दिनों ये प्रवासी, ये विदेशी मेहमान यहाँ से जाने की फिराक में हैं। तो धीरे धीरे ये रंग बिरंगे, जो रंग हमारे को भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे रंग बिरंगे परिंदे बस यहाँ से वापसी की उड़ान भरने की तैयारी में हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और जितने रंग आपको इस जगह से खड़े होकर दिखेंगे शायद ही कहीं आके दिखें, या आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके बिजनौर में या इस उत्तर प्रदेश में ऐसे नज़ारे भी आपको दिख सकते हैं। तो ये हैदरपुर वेटलैंड आपका स्वागत करता है। सिर्फ चिड़िया ही नहीं बल्कि जलीय जीव जिसमें रंग बिरंगी मछलियों से लेकर उनके घाघ शिकारी मसलन घड़ियाल और गंगा माँ का वाहन माने जाने वाली डॉल्फिन जिसे सुसु डॉल भी कहा जाता है यहाँ का आकर्षण का केंद्र है, जिनका नज़ारा कराने के लिए आपको बोटिंग करनी होगी और घड़ियाल और कछुओं को दिखाने की एवज में नाविक आपसे कुछ ज़्यादा मांग सकता है। मगर इन नज़ारों के आगे पैसों की कोई कीमत ही नहीं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सरहद पर बसा परिंदों का ये बसेरा अब ईरान के रामसर वेटलैंड साइट में शुमार हो चुका है। मेरा नाम आशीष लोया है और मेरे साथ आशीष गुज्जर है जो बर्ड वॉचर है यहाँ पे, और हम पिछले कई सालों से यहाँ बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। इस जगह में अब तक हमने 325 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की लिस्ट बना ली है और इनमें कुछ बहुत रेयर बर्ड्स भी हमें यहाँ मिले हैं, जैसे कि अभी कल परसों ही आशीष को एक यहाँ पे बर्ड मिला है जिसका नाम है स्म्यू, और ये बहुत कम दिखता है इंडिया में। एक फीमेल बंगाल में दिखती है लेकिन यहाँ पे हमें एक मेल बर्ड दिखा है जो यूरोप से आता है और बहुत ही सुंदर बर्ड है। तो इसी तरह इस वेटलैंड में और भी कई रेयर स्पीशीज देखने को मिलती हैं जिसको देखने के लिए आज पूरे देश भर के बर्ड वॉचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अब ये जगह हैदरपुर वेटलैंड एक रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है दिसंबर में, तो रामसर साइट डिक्लेयर होने का मतलब है कि ये जगह अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया भर के लिए एक ज़रूरी वेटलैंड है जिसको सरकार ने कंजर्व करने का जिम्मेदारी ली है। यहाँ हर साल 20,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो हमने पिछले 3-4 सालों से यहाँ हर साल पक्षियों की गणना की है जिसमें यहाँ पे कई हज़ार 20,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हमें हर साल मिली हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पे कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का पाया जाना, जैसे यहाँ इंडियन ग्रास बर्ड, इंडियन स्किमर, ब्रिसल ग्रास बर्ड, इस तरह के कुछ रेयर और एंडेंजर्ड बर्ड्स भी मिलते हैं। उसके अलावा बर्ड्स के अलावा कुछ और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स भी यहाँ पे हैं, जैसे स्वॉम्प डियर, ऑटर्स, घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन्स, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है रामसर साइट डिक्लेयर होने का। और इसी तरह कुछ रेयर बर्ड्स यहाँ पर इस वेटलैंड पे निर्भर होती है अपने लाइफ साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट फेस के लिए, तो इस तरह पिछले 4-5 सालों के कुछ रिसर्च के बेसिस पे जो हमारी फाइंडिंग्स रही तो रामसर साइट डिक्लेयर होने में इस जगह को उस तरह से काफ़ी मदद मिली। और हमने यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ भी काम किया, आसपास के गांव के यूथ को हमने जोड़ा है, और आशीष गुज्जर हमारे साथ पिछले 1 साल से आ रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बर्ड वॉचिंग सीखी है। तो मैं यहाँ पर जो बर्ड गाइड का काम कराया मैंने, तो आशीष लोहा जी ने मुझे यहाँ पर बर्डिंग सिखाई है, पक्षी के बारे में जानना और ई बर्ड पर चेकलिस्ट कैसे डालते हैं इसके बारे में बताया मुझे। तो मैंने यहाँ तक अभी तक 270 स्पीशीज देखी है।
हैदरपुर बैराज वेटलैंड जल की भूमि जहाँ बहुत सारे पक्षी हैं, मगर आपको पक्षी इतने नज़दीक से देखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। आधे घंटे एक घंटे आप यहाँ बैठें, कोने में बैठें बिल्कुल शांत होकर, ताकि पक्षी आपको या तो नज़रअंदाज करें या आपसे किसी तरह का खतरा महसूस ही ना करें, तब वो आपके नज़दीक आने लगते हैं या आपको उनको नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। काफ़ी देर तक यहाँ बैठिए, आपको कुछ अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, इन पंछियों को इन परिंदों को कुछ नज़दीक से जानने का मौका भी मिलेगा। फिर भी इस बैराज के किनारों पर कई सारे अवैध जाल बंधे हुए मिल जाएंगे, जहां ये परिंदे और मछलियां फंसकर दम तोड़ देते हैं। हैदरपुर पहुंची हमारी टीम को जब ये जाल बंधे हुए मिले, तो हमने जितनी हो सकी उतनी मछलियों को जीवन दान देने की भरपूर कोशिश भी की। अगर आपने पहले कभी परिंदों के अभयारण्य में कदम नहीं रखा है, तो आपको शायद एक बार की यकीन ही नहीं होगा कि पक्षियों की इतनी रंगीन प्रजातियां भी होती हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सरहद पर बसा परिंदों का ये बसेरा अब ईरान के रामसर वेटलैंड साइट में शुमार हो चुका है। रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन वेटलैंड साइट्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र या वेटलैंड उस जगह को कहते हैं जो पानी से ढकी हो, मगर कहीं भी इसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तालाब, नदी, डेल्टा, दलदली भूमि से लेकर समंदर का किनारा भी इस परिभाषा में फिट हो सकता है। पानी ताज़ा, खारा या नमकीन कोई भी हो सकता है। भारत में कुल 49 वेटलैंड साइट्स को रामसर समझौते में शामिल किया गया है। 2021 में 47वें पायदान पर हैदरपुर साइट का नाम भी इसी फहरिस्त में शुमार कर लिया गया। विदेशी सैलानी परिंदों को रामसर साइट्स के समझौते समझ नहीं आते। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ उन्हें हजारों मील से खुद ब खुद अपने नज़ारों में खींच लाती है। अगर आपको चिड़ियों को परेशान किए बिना सिर्फ करीब से देखने की ख्वाहिश है, तो आपके लिए यहाँ 2-4 मंजिल ऊँचे 2 वॉच टावर भी बनाए गए हैं, और इसी आशय से सीमेंट की पक्की कुर्सियाँ भी छतरियों के साथ बनाई गई हैं, जहाँ घंटों बैठकर आप इन परिंदों की शरारत देख सकते हैं। हालांकि पक्षियों का यह शानदार वेटलैंड पूरी तरह कुदरती है, मगर अभी तक नज़दीकी इलाके के लोगों को भी हैदरपुर वेटलैंड या रामसर वेटलैंड की जानकारी नहीं है। शायद यही कारण है कि यहाँ इंसानी दखल ना के बराबर है और पक्षी बेरोक टोक अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। मगर इससे सटे हुए घाट पर आपको गंगा दर्शन समेत सभी रीति रिवाज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पूजा पाठ और अंतिम क्रिया से लेकर गंगा स्नान सभी इसी घाट पर होता दिखाई देगा। मज़े की बात यह है कि कुछ ही दूर यहाँ 8 से 10 घड़ियाल भी दूसरे तट पर सुस्ताते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे ही तट पर गंगा स्नान करते या गंगा जी में तैराकी करते हुए लोगों को ये घड़ियाल कुछ भी नहीं कहते। अलबत्ता इन घड़ियालों को देखने के लिए बोट करके नहर को पार करना होगा, और अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको तेज़ सीटी मारती हुई उछल कूद करती हुई डॉल्फिन भी दिखाई देती है। इसी सीटी की आवाज़ की वजह से इसे सू सू डॉल भी कहा जाता है।